अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और मैं थोड़ी देर पहले अपनी नंद के घर दावत से होकर आई थी। 5 बजे आई हूँ मैं उनके घर से, क्योंकि दोपहर की दावत थी मैं और मेरे हस्बैंड। तो उसके बाद जैसे हम घर आए ना, हमें इतनी कोई थकावट हुई है, इतनी थकावट जिसकी कोई इंतहा नहीं। और हम आते ही टून हो गए, जैसे ऐसा लग रहा था जैसे दावत का खाना तो मैंने बनाया है। इतनी थकावट मुझे थी, जबकि मैंने सिर्फ जाकर खाया ही है, लेकिन इतनी थक गई थी। शायद गर्मी है ना, उस वजह से इंसान की सारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, ड्रेन। लेकिन बाबा इतनी थकावट है, अब उठे जाके इस वक्त 9 बज रहे 9, और मैं असर पढ़कर सोई थी 6 बजे, और बिल्कुल मुझे होश नहीं था। आजकल पानी इतना अच्छा लग रहा होता है ना, फिलहाल पानी पी लेते हैं क्योंकि पानी की बहुत ज़रूरत है। आजकल मुझे पानी इतनी गनीमत लग रहा है ना, इतना अच्छा लग रहा होता है कि गर्मी इतनी है, बंदा सो रहा है तब वो पानी पी के सोता है, उठता है तब भी गला इतना ड्राई होता है कि ढेर सारा पानी पीता है। आजकल सारा फोकस जाना सिर्फ पानी पर ही है। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग ने ना हर इंसान का कबाड़ा कर रखा है। पहले तो ये होता था कि इंसान ना पहले ऐसे सेविंग कर लेता था, वो कहता था हम बाज़ार ना जाएंगे, ना हमारे पैसे खर्च होंगे, तो सेविंग हो जाती थी क्योंकि चीज़ खरीदने के लिए बाज़ार जाना पड़ता था। लेकिन अब आप बाज़ार जाओ या ना जाओ, बल्कि मैं कहती हूँ इंसान बाज़ार भी इतना ज़्यादा नहीं जाता जितना आजकल वो ऑनलाइन चीज़ों शॉपिंग से ना चीज़ें खरीद रहा है। जो चीज़ की नीड नहीं भी होती ना, इंसान वो भी मंगवा लेता है। ऐसे बैठे बैठे अभी मुझे एक सीरम अच्छा लगा, मैंने फटाफट से ऑर्डर कर दिया, क्योंकि अभी मैं 2-3 सीरम ऑलरेडी ट्राई कर रही थी। लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग ना कबाड़ा कर रखा है। और मैं कहती हूँ इसमें ना कसूर इन्फ्लुएंसर्स का भी है कि वो हर एक चीज़ को ना प्रमोट कर रहे होते हैं, हर एक चीज़ को लेकर। तो मैं कहती हूँ कि आपको कोई भी चीज़ प्रमोट कर रहा हो ना, आप पहले देखिए वो चीज़ हमारे लिए यूज़फुल है या नहीं। अगर है तो उसे ज़रूर मंगवाएं, लेकिन नहीं है तो विंडो शॉपिंग की तरह जस्ट देखें और इग्नोर कर दें। मैं हमेशा आपको वो चीज़ बताती हूँ जो मैं खुद अपने पैसों से लेती हूँ और मुझे उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। और मेरी कोशिश होती है मैं बहुत महंगी चीज़ ना बताऊँ कि हर कोई अफोर्ड कर सके, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगे और बजट में ना हो ना, तो जस्ट विंडो शॉपिंग किया करें, देखा और आगे गुजर के, दिल पे मत लिया करें, क्योंकि हर चीज़ हर इंसान के बस में नहीं होती। खैर, ये अभी घूमते शूमते लहरों के साथ बड़ा ही खूबसूरत सा पीच शेक बन रहा था। इतना तो अच्छा पीच शेक होता नहीं जितना अच्छा वीडियो में इसकी लहरें लग रही हैं। खैर, पीच शेक जब भी बनाए ना इस टाइप की कोई भी शेक, उसमें अगर आप चीनी की जगह कंडेंस मिल्क यूज़ करें ना, तो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और मैंने सिंपल दूध, कंडेंस मिल्क और पीच का छिलका उतार के ना उसके साथ ये शेक बनाया था, और बड़ा अच्छा बना था। जैसे आप पीच को पीते रहते हैं ना, ऐसा लगता है आप आम का शेक पी रहे हैं। सही है, पीच का शेक और बात अच्छा है ना, आम की तरह लगता है थोड़ा थोड़ा। यहाँ से बस नेक्स्ट डे का व्लॉग स्टार्ट होता है। अभी मैं तैयार हो गई थी, और जो सूट मैं कल दावत में पहन के गई थी ना, मैंने वही सूट पहन लिया था, क्योंकि जाना था मैं फूफो को लेकर उनके चेकअप के लिए, शॉपिंग के लिए। और इतनी गर्मी में मेरी हिम्मत नहीं थी मैं कोई नया सूट पहनूं, क्योंकि एक तो एम्ब्रॉयडरी वाला सूट पहन के वैसे ही गर्मी लगती है, और मैंने कब पहननी तो चादर है, तो यही वाला सूट पहन लेते। लेकिन परफ्यूम लगाना मैं नहीं भूलती, मैं कहीं भी जाऊँ मैं परफ्यूम लाजमी लगाती हूँ, क्योंकि उसके बगैर मेरा गुजारा नहीं है। अच्छा, मुझसे ना किसी ने एक सवाल पूछा था कि आप पीछे क्यों बैठती हैं, आगे क्यों नहीं बैठती? तो देखो यार, पीछे भी आगे बैठूँ रहूँगी तो मैं फिर भी बीवी ना। जो मोहब्बत मेरे हस्बैंड को मुझसे है, या जो रिश्ता हमारा है, वो आगे या पीछे बैठने से कोई ख़त्म तो नहीं हो जाता। लेकिन फ़र्क ये होता है कि जब कोई हमारे साथ बड़ा ट्रैवल कर रहा होता है ना, चाहे मेरी सास हो या कोई भी, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं खुद आगे बैठ जाऊँ वो पीछे बैठ जाए। इसलिए मैं खुद ही पीछे बैठ जाती हूँ जब कोई हमारे साथ बड़ा होता है। तो ये रिस्पेक्ट की बात होती है, और यार इन छोटी छोटी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि इन छोटी छोटी चीज़ों से ना आपकी ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत हो जाती है। खूबसूरत इस तरह नहीं, मेरे हस्बैंड को भी पता है कि मैं उनकी मदर को इस तरीके से रिस्पेक्ट देती हूँ, मेरी सास को भी पता है कि मैं इस तरीके से छोटे छोटे कामों में उन्हें इस तरीके से आगे कर देती हूँ, तो वो भी खुश हो जाते हैं। और आपकी जो लाइफ है ना, बहुत अच्छी चलती है। मैं लड़कियों को हमेशा कहती हूँ कि हर चीज़ में ना पॉजिटिविटी देखनी चाहिए, सारी ज़िंदगी आपने पीछे नहीं बैठना। लेकिन कुछ सालों में इस तरीके से करके ना आपका एक अलग मकाम बन जाता है लोगों के दिल में। खैर, उसके बाद हम लोगों ने पहले फूफो का चेकअप करवाया, मुल्तान में डॉक्टर आमिर डोगो ने, मेरी फूफो को ना सांस का इशू है तो हम उन्हें चेक करवाते हैं, अच्छा डॉक्टर है। उसके बाद फिर हम लोग शॉपिंग पे आए, पहले हम लाइमलाइट गए, वहाँ से हमने कुछ चीज़ें ली, फिर उसके बाद मैं शॉपिंग पे आऊँ और ज्वेलरी ना आऊँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। मेरा सबसे फेवरेट ब्रांड है, इस दफ़ा मैंने बहुत कम शॉपिंग की है गर्मियों की, क्योंकि मैंने अनस्टिच सूट लेकर स्टिच करवाए थे, रेडीमेड का मुझे टाइम ही नहीं मिला, तो अब मैंने कहा मैं ले लेती हूँ। तो यहाँ से लाइमलाइट पे बहुत अच्छी आए हुए थे इस दफ़ा कपड़े ना, अनस्टिच स्टिच दोनों ही मुझे आर्टिकल्स बहुत अच्छे लगे थे।
अब तो जेलबरी वालों ने भी अपनी कीमतें बढ़ा दी हैं, लेकिन प्राइस के अकॉर्डिंग फिर भी दूसरे ब्रांड से काफ़ी रिजनेबल है। और मुझे जेलबरी के आजकल काफ़ी प्रिंट्स अच्छे लगे हुए हैं, काफ़ी हल्के हल्के से समरी समरी से कलर आए हुए हैं। तो अगर किसी ने रिजनेबल कपड़े लेने हैं ना तो वो ले सकते हैं। मुझे ये वाला प्रिंट बहुत अच्छा लगा था। आजकल ये बेज कलर इतना फैशन में इन हुआ है ना, बहुत ज़्यादा इन है फैशन में। उसके बाद हमने कहा अपनी शॉपिंग भी कर ली, तो मैं अपने थोड़े मियाँ की भी शॉपिंग करा देती हूँ, क्योंकि मेरे मियाँ उनमें से जब तक उन्हें खुद ना शॉपिंग कराना, वो कभी शॉपिंग नहीं करते। तो उनके लिए मैं चीज़ें ले आती हूँ, परफ्यूम हो, शर्ट्स हो, जो मैं लेकर आती हूँ ना वो वही पहन लेते हैं। खुद से उन्हें बिल्कुल भी शौक नहीं है कि मैं अपने लिए चीज़ लूँ। आगे करके लगाएं। ये अच्छी लग रही है। दादी कह रहा है सब मेरे मियां जरा मस्ती में थे, ये हमेशा इसी हाल में ही रहते हैं। अच्छा, मैं उनमें से हूँ जिन्हें कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। यानी मुझे जूतों का भी इतना शौक नहीं है, मुझे ज्वेलरी का भी शौक नहीं है, लेकिन मुझे कपड़े खरीदने का बहुत शौक है। मेरे तो कहते हैं मेरे पास बहुत सारे नए सूट हो जो मैं रोज़ रोज़ पहनती रहूँ। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कौन सी चीज़ अच्छी लगती है। खैर, इसके बाद हमें बहुत प्यास लगी, इतनी गर्मी थी, तो हम लोग फिर मुल्तान का जो फेमस रशीद ड्रिंक कॉर्नर है ना, मेरे ख्याल से जो मुल्तान में रहता हो उसने रशीद ड्रिंक कॉर्नर से कोई जूस ना पिया ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पर इन सब ने फालूदा लिया था, मेरे साथ मेरी नंद भी थी और उनकी बेटी थी, बाकी फुप्पो मैं थे और आवर थे, और मैंने इमली आलू बुखारे का शरबत लिया था। मेरा शरबत बहुत अच्छा है, मेरा शरबत बहुत अच्छा है, मेरा नहीं इमली आलू खाएगा। कैसा है? आप तो बात चली गई। मेरी बेटी तो पी नहीं सकती है। आप भी क्यों? ये तो इसमें फलूदा आ रहा है ना, मेरी बेटी तो नहीं पी सकती। कौन सी पीएगी? हां मियां जी, ये लो टेस्ट कर लो। क्या इधर तो इधर कैसा है? अच्छा है ना। उसके बाद हमारे सामने एक गाड़ी थी, उसमें 5-6 बच्चे बैठे हुए थे और जगह ख़त्म थी, तो उन्होंने डिग्गी में भी बच्चे को बिठा रखा था। मुझे मेरी मियाँ को इतनी हंसी आ रही थी ना। बस फिर अम्मी के घर आए, यहाँ पे हम लोगों ने खाना किया, और यहाँ पे मैंने कुछ ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं की क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? आपकी उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। और कल मैं अम्मी के घर गई और कुछ मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। मेरे दांत में इतना दर्द है, इतना दर्द है, इतना अभी भी मेरी ना वाला हिस्सा अभी भी दर्द कर रहा है। वो जो अंदर गम्स होते हैं ना, मसूड़े, मेरे वहाँ पे दर्द है ना। मुझसे कुछ खाया जा रहा है ना, मुझसे कुछ बोला जा रहा है। अब तो मेरी तबीयत फिर कुछ बेटर है। रात में दवाई ली थी, मैं आते ही घर सो गई थी, मुझे कोई होश नहीं था, मैंने कुछ खाया नहीं सारे दिन, लेकिन मेरा अभी भी इतना दर्द हो रहा है। अब तो फिर भी कुछ कम है मेरे दर्द ना, यानी अभी मैंने नाश्ता किया था, मेरे दर्द ना कुछ कम है, लेकिन बहुत दर्द था। दांत का दर्द ऐसा दर्द है कि होश ठिकाने ले आता है। मैं उठी, मैंने सबसे पहले शावर लिए, कपड़े वगैरह चेंज किए, और फिर मैंने कहा थोड़ा फ्रेश फ्रेश होते हैं तो अच्छा लगेगा, दांतों का दर्द भी कुछ ठीक हो जाएगा। अरे, 2-पीस ड्रेस लगते तो सही है, लेकिन क्या ना सबसे बड़ा मसला होता है इनके साथ ना, दुपट्टे नहीं मैच होते हैं। वो ना, अगर आप कुछ ऐसा सूट ले लें इनके साथ दुपट्टे में पड़े हो ना, फिर आपको ऐसे में तरह कोई और सूट दुपट्टा लेना पड़ता है। लेकिन घर में तो यार इस तरह के जो कपड़े हैं ना वो अच्छे लगते हैं, कमीश वाला। एटलीस्ट इतनी गर्मी है ना कि 2-पीस ही पहने जा रहे हैं, उसके अलावा तो वैसे भी कुछ नहीं पहना जा रहा। बस अभी जाते हैं, नाश्ता करते हैं, और मुझे दांत के दर्द ने बड़ा दर्द कर वो तकलीफ़ में डाल रखा है, लेकिन आज तो मेरा दर्द फिर भी कुछ कम है। लेकिन और गर्मी का सुना है क्या हाल है, गर्मी ने भी एक जान निकाली हुई, इतनी कोई क़यामत की गर्मी पड़ रही है ना, बंदे का होश ठिकाने आए हुए, बहुत गर्मी है। बस उसके बाद मैंने कल से शरबत के अलावा कुछ नहीं खाया था, और बस अम्मी के घर में थोड़े से चावल खाए थे, क्योंकि मेरे दांत में इतना दर्द था, एकदम से मेरे ना मसूड़ों में दर्द होना स्टार्ट हो गया, पता नहीं क्यों, मैं डॉक्टर को चेक करवाऊंगी। तो मुझे बहुत भूख लग रही थी, तो फिर ये अम्मी ने मुझे कल कीमा दिया था क्योंकि मैंने कुछ खाया नहीं था, तो उसके साथ फिर मैंने नान फ्राई कर लिए थे, वो मैं खा रही थी। मैं आपको शॉपिंग दिखाती हूँ जो हम कल कर लाए थे ना। एक तो मैंने लाइम लाइट से ये जो है ना वो शर्ट ली थी, ये मुझे प्रिंट इसका बहुत अच्छा लगा था, इस वाली शर्ट का ना, ये देखें इस टाइप का इसका प्रिंट है, इसका प्रिंट मुझे बड़ा प्यारा लगा था, कलर भी बड़ा ठंडा ठंडा है। देखें ये शर्ट थी इस स्टाइल में, इसके स्लीव्स हैं, और ये इसका जो है वो
दामन है, बैक बैक भी इसकी मुझे बड़ी अच्छी लगी थी और इसके प्राइस भी बहुत रीज़नेबल थे। शर्ट मुझे मिली थी 2500 की, तो मुझे बहुत रीज़नेबल लगी ये शर्ट 2500 में, तो मैंने एक ये ली थी। उसके अलावा एक हमने एक ये लिया था, मैंने अपने हस्बैंड को ना टी शर्ट काथे वाले कलर में लो, मुझे ना ये कलर बहुत अच्छा लगता है और मेरे हस्बैंड पे था नहीं, तो ये अभी हमने जलबरी से ली थी तो वहाँ से। और एक मैंने सूट लिया था जलबरी से, ऑरेंज कलर आजकल इतना इन है ना, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। एक्चुअली इस सूट की मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ, ये वाला जो सूट है ना, मैं हम कब से ढूंढ रहे थे कि हम कौन सा सूट लें और हमें मिल ही नहीं रहा था। ये मेरे हस्बैंड की नज़र पड़ी, उन्होंने कहा ये वाला सूट तुम ले लो, ये अच्छा लगेगा। तो फिर मैंने फ़ौरन ये देखा ना देखा, मैंने कहा उन्होंने पसंद किया ना तो बस मैं ले लेती हूँ, क्योंकि मेरे मियाँ ना बड़ी कम चीज़ें पसंद करते हैं, अगर वो कर ले मैं ले लेती हूँ। ये वीडियो में आपको सही से शायद शो नहीं हो रहा, लेकिन बड़ा प्यारा कलर है ऑरेंज सा ना, इसके वो है गला और ये स्कर्ट बट्टा, लेकिन ये बहुत प्यारा प्रिंट है, बहुत प्यारा ना, बड़ा सॉफ्ट सा, बड़ा कंफर्टेबल सा। अगर आपको ये मिले ना ये वाला प्रिंट आप ज़रूर लेना, इसका दुपट्टा बहुत अच्छा है। और ये मिला भी मुझे जस्ट 2800 का है, टू पीस ना, तो ये लिए थे। बाकी एक ही मैंने अपनी मदर इन लॉ के लिए लिया था जलबरी से। जिस तरह मैं अपनी अम्मी को गिफ्ट देती हूँ ना कपड़े, इसी तरह मैं अपनी सास को भी एक गर्मी का सर्दी का सूट ज़रूर गिफ्ट करती हूँ। और मैं आपको भी एडवाइस दूंगी, इसे देना चाहिए, चाहे कोई आपको रिटर्न में दे या ना दे, लेकिन आप देंगे ना तो एटलीस्ट इससे मोहब्बत भी बढ़ती है और छोटी मोटी चीज़ें ना बहुत फ़र्क डाल देती हैं आपके रिलेशनशिप में। मैं जो रोज़ कच्ची लस्सी बनाती हूँ और व्लॉग में दिखाती हूँ, वो आप सबको बड़ी पसंद आती है। तो रेसिपी आप मांग रहे थे, बड़ी सिंपल सी रेसिपी है। एक पाव दही ली, उसमें 5 पत्ते पुदीने के, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा डाला जीरे को रोस्ट करके, और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा काला नमक और नॉर्मल नमक और 1/2 कप पानी डाल के ना मैंने इसे ब्लेंड कर लिया था और छान लिया था। उसके बाद जितना पानी आप ऐड करना चाहें, जितनी पतली लस्सी आप रखना चाहें उस हिसाब से आप रख सकते हैं, लेकिन जब आप मिक्सचर को ब्लेंड करेंगे ना उस वक्त ज़्यादा पानी मत डालिएगा, उस वक्त थोड़ा सा पानी में ब्लेंड करिएगा, बाद में ऐड कर लीजिएगा। और ये दोपहर के खाने में बड़ी अच्छी लगती है, ज़ीरा और पुदीने से ना बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। और मुझे कोई स्टील का बर्तन नहीं दिख रहा था लस्सी डालने के लिए, तो मैंने फिर इसी में डाल लिया। उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना खाया, खाने में दाल थी, अरवी थी, अरवी मैं बिल्कुल नहीं खाती, दाल मैं फिर खा लेती हूँ शौक से। उसके बाद फिर हम लोग सो गए, शाम में उठे तो एकदम से मौसम चेंज था, दोपहर में धूप थी और शाम में एकदम से जज्बात एहसास सब बदल गए, लेकिन मौसम तो अच्छा था फिर भी गर्मी ही थी। तीन डिफरेंट चाय फुप्पो, सबसे ज्यादा फुप्पो की, उससे कम आपकी, उससे कम मेरी। अच्छा मौसम हुआ था ना तो मज़े का, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा आप मुझे ना कहीं घुमा के लेकर आए, तो हम लोग फिर ऐसे ही घूम फिर कर आइसक्रीम वगैरह खाकर घर आ गए थे। और रात में हमारे घर में शेक ज़रूर बनता है, चाहे पीच का बने आम का बने, क्योंकि मेरे हस्बैंड रात में पीते हैं तो उनकी जैसे ज़्यादा बनता है, ये बहुत सारा बनता है क्योंकि फुप्पो भी पीती हैं, फिर आवर भी 2 गिलास लास्ट में पीते हैं, फिर मैं तो 1/2 गिलास ही पीती हूँ, फिर मेरी नंद है उनके बच्चे हैं वो भी पीते हैं, और फिर सुबह भी मेरे मियाँ को चाहिए होता है, तो इसलिए 1.5 किलो दूध का शेक बनता है। और आज दोपहर में दाल और अरवी थी, वो वाला सालन ख़त्म हो गया था, तो फिर रात में फिर मेरे हस्बैंड को भूख लगी, तो फिर मैंने उन्हें सिलेंडर पे बना के दिया। वैसे मैं उनसे 7 दिन पूछती रही, उस वक्त उन्होंने मुझे बताया नहीं खाने का, और रात में मुझे कह रहे भूख लग रही है, फिर मुझे सिलेंडर पे बनाना पड़ा अंडा। अगर ये अच्छा ना हुआ ना बेटे, मेरे पैसे लगे हैं, अच्छा ही होगा ये। अच्छा क्यों, जिनके पैसे लगते हैं उनकी चीज़ें कभी ख़राब नहीं निकलती? बस कर दो बस, बाजी मेरा तो अच्छा दिया है। नियत खराब है।